क्योंकि जीवन में हम सब ने भूतों की कहानियां सुनी है या कभी न कभी हमारा पाला इनसे पड़ा है, पर क्या कभी हमारे भोजपुरी स्टार्स का इनसे पाला पड़ा है, क्योंकि ये देश विदेश हर जगह शूटिंग करते हैं। आइए जानते हैं, पहले शुरुआत करते हैं रवि किशन से। रवि किशन की माने तो भूत होते हैं। कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां अदृश्य शक्तियां होती हैं और मैंने भी इन शक्तियों को महसूस किया है। वैसे आपको बता दें कि रवि किशन का घर कब्रिस्तान के पास ही है। खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव के साथ काफी इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे आधी रात को खेसारी उनके दोस्त के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके घर के लिए आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ गई। खेसारी को लगा कि उनकी गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और देखकर वो दंग रह गए, क्योंकि वहां कोई नहीं था। खेसारी और उनके दोस्त पूरी तरह से घबरा गए और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये क्या था। गाड़ी को लेकर वो घर की ओर जल्द से जल्द रवाना हो गए। कुछ ऐसा ही हादसा पवन सिंह के साथ हुआ जब वो अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भुज गए हुए थे। जिस कमरे में पवन सिंह ठहरे हुए थे, उस कमरे में हर रोज रात को अजीबोगरीब आवाज आती। इससे घबरा के पवन ने अपना कमरा ही चेंज कर दिया। काजल रागवानी के साथ भी ऐसा वाकया हुआ है। जब वो यूपी के मिर्जापुर में अपने फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती तो उन्हें रोने की आवाज आती। जैसे ही ये खबर उन्होंने अपने डायरेक्टर को दी, डायरेक्टर ने शूटिंग स्पॉट ही बदल दिया। मधु शर्मा भी ऐसे ही हादसों का शिकार हो चुकी है। राजपिपला में जब वो शूटिंग कर रही थी तो हर रोज उन्हें कोई पीछे से बुलाता। जब वो टर्न होके पीछे देखती तो पीछे कोई भी न होता। जब ये बात मधु ने अपनी माँ को बताई तो माँ ने उन्हें तुरंत राजपिपला से मुंबई बुला लिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे स्टार्स भी भूतों के चक्कर में आ चुके हैं। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।